स्कूल के बच्चों को खेती की शिक्षा से उनके मन में धरती माँ के प्रति, किसान के प्रति कृतज्ञता का भाव निर्माण होना चाहिए। हमारे भारत देश में खेती को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। किसान को अन्नदाता माना गया है। खेती एवं किसान का महत्व क्या है, खेती का महत्व क्या है, यह बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यह ध्यान गुरु रघुनाथ येमुल गुरु जी ने कहा। कम उम्र में ही बच्चों को अगर खेती, किसान एवं अनाज के बारे में सिखाया जाए तो बच्चों में किसानों के प्रति आदर बढ़ेगा और इसके प्रति सकारात्मक विचार निर्माण होंगे। इसी के साथ अनाज की वो कदर भी करना सीखेंगे। किसान खेती एवं अनाज के प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा और वो उनका संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे और अनाज उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बच्चे जान जाएंगे। इसी तरह उनका किसान के प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ता जाएगा। बच्चों को खेती के बारे में बचपन से ही जानकारी मिलती है तो वो बड़े होकर खेती के प्रति जन जागृति और संरक्षण भी करेंगे। प्राचीन खेती का सांस्कृतिक जतन और इसके प्रति ज्ञान रखने वाले आज अनाज को अपने जीवन में औषधि उपयोग भी करने लगे हैं। भारी बारिश और सूखे के कारण भारत में किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यह सब बच्चे जान जाएंगे और कम उम्र में ही पर्यावरण की रक्षा करेंगे। और यही बच्चे कल के भारत के प्रगतिशील और विकसित खेती करते नजर आएंगे और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। पेड़ पौधे लगाएंगे तो धरती माँ के प्रति और किसान के प्रति कृतज्ञता भाव बढ़ेगा। हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में अधिक मात्रा में विख्यात होगा, यह आशा ध्यान गुरु रघुनाथ येमुल गुरु जी ने व्यक्त की। किसान फौज एक ऐसी संकल्पना है जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें मौसम जन्य तकनीकी जानकारी, फसलों की सुरक्षा के लिए नए संशोधन, प्रशिक्षण, बीमा, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैनपावर सप्लाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। इसी के कारण किसान फौज आपातकालीन स्थिति में सुविधा मिलने की मांग ध्यान गुरु रघुनाथ येमुल गुरु जी ने राज्य सरकार से की है।